भोपाल में एक स्टूडेंट के सुसाइड का दिल दहला देने वाला मामला आया है। उसके सुसाइड के तरीके को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उसने पहले अपने दोनों हाथों को छिले हुए इलेक्ट्रिक वायर से बांधा, फिर प्लग में तार लगाकर झाड़ू से स्विच चालू कर दिया। करंट लगने से छटपटाते हुए उसकी मौत हो गई। घटना शनिवार शाम को नीलबड़ की है। मौके से सुसाइड नोट नहीं मिला है। उसने बिफॉर्मा में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, सोमवार को एडमिशन होना था। रातीबड़ थाना प्रभारी सुधेश तिवारी ने बताया कि कुलदीप वर्मा पिता गजराज सिंह उम्र 20 वर्ष बिल्किसगंज सीहोर का रहने वाला था। इसी साल उसने BSc की पढ़ाई पूरी की थी। उसने VNS कॉलेज में बिफॉर्मा के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। वह कृष्णा कॉलोनी नीलबड़ में किराए से रहता था। शनिवार शाम करीब 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कुलदीप कमरे का दरवाजा नहीं खोल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस गेट तोड़कर अंदर पहुंची। कुलदीप जमीन पर मृत मिला। उसके दोनों हाथ में तार बंधे हुए थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कुलदीप ने हाथ में तार बांधकर उसे बिजली के प्लग से लगा दिया। इसके बाद झाड़ू से स्विच चालू कर दिया। करंट से उसकी मौत हो गई। हालांकि छटपटाहट से प्लग से तार निकल गई थी। सुसाइड नोट नहीं मिलने से आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस उसके मोबाइल फोन की जांच कर रही है। कुलदीप के पिता गांव में खेती करते हैं। वह परिवार में इकलौता बेटा था। 26 अगस्त की शाम उसके पिता से बात हुई थी। उसने पिता से सब कुछ ठीक होने का कहा था। शनिवार सुबह पिता ने फिर फोन लगाया, लेकिन स्विच ऑफ मिला। उन्होंने मकान मालिक को फोन किया। मकान मालिक ने बताया कि वह ड्यूटी में है। ड्यूटी से जाकर वह देखते हैं। वह शाम को घर पहुंचे तो कुलदीप का दरवाजा अंदर से बंद मिला। आवाज देने पर भी जब वह नहीं उठा तो पुलिस को सूचना दी गई। कुलदीप के रिश्ते में भाई राजकुमार वर्मा ने बताया कि वह BSc की इसी साल पढ़ाई पूरी की थी। महीने भर पहले वह भोपाल आया था। नीलबड़ में कमरा लेकर वह न्यू मैक्स अस्पताल के मेडिकल स्टोर में जॉब भी कर रहा था। उसने मेडिकल स्टोर के संचालक को फोन पर मैसेज कर शनिवार को छुट्टी ले ली थी। उसने मैसेज किया था कि उसे घर जाना है, इसने शनिवार को नहीं आएगा। एडमिशन के लिए उसने घर से 34,000 रुपए भी मंगाए थे, जिसमें 10,000 रुपए उसने रजिस्ट्रेशन के लिए जमा कर दिया था।